This is Raven. So, hey guys, welcome back to my channel Editing Zone. Guys, फिर से वापस आ चुके हैं और एक नए वीडियो के साथ. और आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो मेरा फिर एक फोटो जो वायरल की आप लोगों ने फिर से, जिसपे 8000 से ऊपर आप लोगों ने मेरे दो दिन के अंदर आप लोगों ने मेरा लाइक्स पहुंचा है. सो जब आप लोगों ने मेरा पोस्ट को इतने सारा प्यार दिए, सो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं आज आप लोगों के साथ वो वाला टिप्स शेयर करूं कि मैं किस तरह से ये वाला जो फोटो है मैं फुल किया था, ठीक है. और एक बात गाइस, मैं अभी जो फोटोज़ का ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा फोटोशॉप में आप कैसे करोगे. लेकिन जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिनके पास पीसी नहीं है, सो वो भी फ़ोन पर कर सकते हो. और मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि आप फ़ोन में फोटोशॉप को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो. आई बटन में लिंक दिया हुआ है, सो आप वहाँ पे वीडियो देख लेना ये वीडियो ख़त्म होने के बाद. और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, सो वहाँ पे भी जाके आप लास्ट में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है. सो गाइस, अभी मैं जो है फोटोशॉप में कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग फ़ोन पर भी कर सकते हो. लेकिन सबसे पहले आपको फुल वीडियो देखना है, सीखना है, समझना है, उसके बाद आप सेम प्रोसेस को आप फ़ोन पर भी कर सकते हो. मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, सो आप जाके चेकआउट कर लेना. आप फ़ोन पर भी इजीली कर लोगे, लेकिन जो लोग फ़ोन में कर रहे हो तो ये वीडियो उन लोग स्किप मत करो, वीडियो को पहले समझ लो. आप फोन पर भी इजीली कर सकते हो, फोन पर भी फोटोशॉप मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, सो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना. एंड देन सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड 4K एडिटिंग. सो गाइस, सबसे पहले फ़ोटो ले लेना है. और जैसे कि मैं फ़ोटो रॉ में लिया हूँ, सो बेसिक कलर करेक्शन आपको भी कुछ इस तरह से कर लेना, ठीक है. मतलब अकॉर्डिंग आपका अकॉर्डिंग जैसे आपका फ़ोटो है, आपको उस तरह से पहले कलर सेट कर लेना, ठीक है. सो सेट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है, ठीक है. और एक डुप्लीकेट लेयर सबसे पहले आपको कर लेना है. एंड देन आपको देख लेना है कि फ़ोटो फ्लिप करके अच्छा लग रहा तो अच्छा है, बट ऐसे ही रहने देना है. मुझे पर्सनली ये अच्छा लग रहा है, ये वाला लुक, सो इसको रहने देते हैं. एंड देन सबसे पहले जाते हैं कैमरा डॉ फिल्टर में, ठीक है. सो कैमरा डॉ फिल्टर में जाने के बाद ये जो मेरा मतलब मैं चादर जो ढका हूँ, तो इसको थोड़ा HD करने के लिए, मैं शार्प करने के लिए मैं टेक्सचर और क्लियरिटी को बढ़ा दे रहा हूँ. एंड देन इसको मास्क कर लेंगे, बिकॉज देख रहे हो पूरा फेस और बॉडी में ये जो है मतलब ऐड हो गया है. सो मैं ट्राई करूँगा. सो कुछ आपको ब्रश का साइज़ रख लेना है, ठीक है. और इसको अप्लाई करना है धीरे धीरे आपका, मतलब ओनली ड्रेस पे, मतलब जो आपका पहने हो, ठीक है, वो ड्रेस पर आपको बस अप्लाई कर देना है. तो कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा परफेक्ट. सो जैसे देख सकते हो अभी कितना ज़्यादा HD लग रहा है आपका ड्रेस, ठीक है. और बाकी कुछ एरिया में आपको नहीं करना है, ठीक है, बस इसको आपको फ्लैटन इमेज कर देना है. और इसके बाद आपको फिर से लिक्विफाई टूल लेना है और थोड़ा सा शेप जो है आपको सेट कर लेना है. तो बेसिकली थोड़ा बहुत जहाँ पे मुझे दिख रहा है, थोड़ा हेयर पे, सो जहाँ जहाँ थोड़ा सा गलती दिख रहा है वहाँ पे आपको सेट कर देना है, ठीक है. तो कुछ इस तरह से सेट हो जाने के बाद कुछ लुक आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है. और सबसे पहले फिर से आपको एक डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेना है. और बस धीरे धीरे आपको रिमूव करते जाना है जो भी दाग वगैरह है, ठीक है. अगर आप फ़ोन में कर रहे हो तो भी मैंने बता चुका हूँ सो कैसे हीलिंग ब्रश टूल कहाँ से कैसे यूज़ करता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो जाके देख लो जो फ़ोन में करना चाहते हो. सो आपको फटाफट कर लेना है, ठीक है. मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपका टाइम बचाने के लिए. सो आपको कुछ इस तरह से करते रहना है, ठीक है, जब तक ना पूरा इतना डार्क स्पॉट्स रिमूव हो जाए, आपको करते रहना है. सो फटाफट से आपको कर लेना है जितना पॉसिबल हो सके. सो कुछ थोड़ा बहुत इधर भी बचा है. ओके फाइन. सो देख रहे हो फोटो अभी अच्छा लग रहा है. सो इसको भी हम लोग फ्लैटन इमेज कर देंगे. एंड देन फिर इसको हम लोग डुप्लीकेट एक लेयर कर लेंगे. और लेयर करने के बाद सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा डिटच कर लेते हैं ऑटो में, ठीक है. मैं बस आपको ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, जिस दैट्स वाई मैं स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है. और जैसे कि मैं स्क्रीन फाइनर ओपन करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको रिटच कर ले रहा हूँ जितना मुझे चाहिए, ठीक है. क्योंकि ज़्यादा मतलब वर्क नहीं करना है फेस पे, क्योंकि फेस हम लोग को ऐसे भी डल वाला चाहिए. सो कुछ ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है. सो आई थिंक इतना अच्छा लग रहा है. बाकी कुछ कलर वगैरह मुझे करना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ओके पर प्रेस करते हैं. सो ओके प्रेस करने के बाद आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, सो आपको वेट करते रहना है. तो
ये हो जाने के बाद सबसे पहले आपको देख लेना है बिफोर एंड आफ्टर कैसा लग रहा है, एंड देन इसके ऊपर आपको अभी अप्लाई करना है कर्व टूल, ठीक है। तो कर्व टूल लेने के बाद आपको जहाँ पे ब्लैक एरिया है आपको ब्लैक एरिया में पेंट करना है। फ्लॉ को मैं 9% रख रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा डीप लगेगा तो ख़राब दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए 9% रख रहा हूँ और मैं पेंट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा डार्क एरिया है, मैं सबसे पहले वहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो जैसे कि देख सकते हो मेरा राइट साइड जो है तो वहाँ पे थोड़ा सा डार्क है, सो मैं वहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। मतलब जहाँ पे डार्क एरिया है, शेडो एरिया जहाँ पे है, तो मुझे वहाँ पे अप्लाई करना ताकि फेस थोड़ा और ज़्यादा 3D लुक लगे। सो इसके लिए अप्लाई करना, ठीक है, और थोड़ा बहुत इधर भी, ठीक है, ताकि नोज़ जो है एक प्रॉपर 3D शेप में दिख जाए। सो कुछ इस तरह से आपको भी अप्लाई करना है और परफेक्ट थोड़ा सा इधर। सो आपको भी कुछ धीरे धीरे करना है, ठीक है, ताकि आपका टेक्सचर और फेस का शेप जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से करना है, जहाँ पे जो है आपको वहाँ पे वही करना है। सो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी कर लेते हैं, आपको देखते रहना है, ठीक है, कि जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वो जगह सही दिख रहा है क्या नहीं। अगर सही नहीं दिख रहा है सो आपको वहाँ पे इरेज कर देना है, ठीक है। तो कुछ नीचे भी आपको करना है और थोड़ा सा साइड पे भी आपको कर लेना है धीरे धीरे। कुछ ब्रश का साइज़ आपको बड़ा कर लेना है, जहाँ पे जिस तरह आपका एरिया है उस तरह से आपको करना है। अगर एरिया छोटा है सो आपको स्मॉल करना पड़ेगा, अगर बड़ा है सो बड़ा ब्रश कर सकते हो, ठीक है। सो फटाफट से इधर भी कर लेते हैं। ओके फाइन, देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो शेडो एरिया है ना वो और ज़्यादा डार्क दिख रहा है, सो अच्छा लग रहा है देखने में। सो मैं और थोड़ा सा शेप देने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके फाइन, फिर से अगेन आपको कर्व टूल लेना है, वो भी ब्राइट एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको मास्क करना है, और मास्क करने के बाद आपको अप्लाई करना है जहाँ पे आपका हाईलाइट एरिया है बस वहाँ पे। पहले हम लोग ब्लैक अप्लाई किए उसके बाद हाईलाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नोज़ पे करते हैं और कुछ इस तरह से धीरे धीरे, और ओपेसिटी सॉरी मतलब फ्लो आपको 9% ही रखना है, ज़्यादा रहेगा तो फिर बहुत ही ख़राब दिखेगा। फ्लो को हमेशा चेक करते रहना कितना परसेंट आप रख रहे हो, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हाईलाइट एरिया जो है आपको पेंट करते रहना है, परफेक्ट। और थोड़ा बहुत इधर जो मेरा गाल पे, ठीक है, सो यहाँ पे भी थोड़ा हाईलाइट करना है। अगर आप हाईलाइट करेक्ट एरिया पे करोगे सो वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे नेचुरली कोई लाइट आया है क्या नहीं, वो आपको ध्यान रखना है। सो कुछ इस तरह से धीरे धीरे अप्लाई करना है, और जहाँ पे भी थोड़ा सा लाइट आ रहा है ना, मतलब रिफ्लेक्शन आ रहा है, सो आपको वहीं पे पेंट करना है ताकि और नेचुरली लगे, ठीक है। सो नीचे भी मुझे करना है थोड़ा, और थोड़ा यहाँ पे, फाइन। सो और थोड़ा सा इधर, ओके। सो जैसे कि और आपको ड्रेस पर भी कर लेना है, ठीक है। ड्रेस पर भी बहुत सारा देखो हाईलाइट जो आ रहा है ना, तो बस आपको हाईलाइट एरिया जो है आपको हाईलाइट एरिया में बस पेंट करना है ताकि और रियलिस्टिक और नेचुरली ग्लो दिखे, ठीक है। सो कुछ इस तरह करने के बाद आपको सबसे पहले एक डस्ट का PNG ले लेना है, और ये इजीली क्रोम में आपको मिल जाएंगे डस्ट PNG, ठीक है। सो अगर आपको नहीं भी मिल रहा है सो डोंट वरी, टेलीग्राम पर मैं लिंक सॉरी मतलब PNG सेंड कर दूंगा, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है, ओके फाइन। सेट करने के बाद आपको कुछ फ्लैटन इमेज कर देना है, ठीक है। फिर से हम लोगों को और एक PNG लेना है जो कि और थोड़ा सा और अच्छा दिखे, ठीक है। जैसे कि जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्मोक का और एक PNG हम लोगों को सेट कर देना है थोड़ा कुछ इस तरह से। सो लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसको हम लोग डबल कर लेंगे बिकॉज मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए था, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि जो स्मोक होता है ना वो हर जगह फैलते रहता है ना, सो उस तरह से कर लेना है, और परफेक्ट। सो अभी इसको हम लोगों को फ्लैटन इमेज कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट ले लेना है, और इसको मास्क करना है क्योंकि हम लोग का जो आइज़ है ना, तो आइज़ को हम लोग पेंट करना भूल गए थे। सो फटक से कर लेते हैं कुछ इस तरह से, आइज़ का हाईलाइट के लिए बस आइज़ को हम लोग को अप्लाई करना है, और बाकी देख रहे हो कितना परफेक्ट लग रहा है। एंड देन इसको लास्टली कर देना है फ्लैटन इमेज। उसके बाद मून का आपको PNG ले लेना है, और मैं इसका PNG आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, और मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, सो आप लोग डाउनलोड कर लेना।
सो कुछ मैं अपना रखूँगा जो थोड़ा सा साइड में रखूँगा ताकि ये प्रॉपरली दिखे, ठीक है। सो और इसको मैं क्या करूँगा, इरेज करूँगा, क्योंकि नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है ना, सो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। सो थोड़ा सा बस लाइटिंग एरिया दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा, मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। एंड देन लास्टली हो गया। एंड देन अभी क्या करेंगे, ये PNG जो है इसके ऊपर हम लोग ब्लर अप्लाई करेंगे ताकि और भी नेचुरली रियलिस्टिक लगे, ठीक है। तो मैं इसको अपने हिसाब से जितना मुझे चाहिए मैं उतना ब्लर कर रहा हूँ ताकि रियलिस्टिक लगे। आप अपने अकॉर्डिंग करना जो तुमको सही लगे। सो कुछ इस तरह से मैं 64% तक रख रहा हूँ। एंड देन इसको हाई क्वालिटी में आपको डन कर देना है, ठीक है। सो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और कमी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कलर एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अब बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए। सो मैं शेडो को डायरेक्टली कम कर दे रहा हूँ, बिकॉज नाइट का टाइम है ना, सो शेडो तो ऑब्वियसली आएगा ब्लैक। टेक्सचर को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि और रियलिस्टिक लगे, ज़्यादा ब्लर नहीं दिखेगा। सो गाइज देख रहे हो एकदम नेचुरली लग रहा है अभी। और इसके बाद आपको ये वाला PNG जो है इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हाथ में जैसे कि हम लोग पकड़े हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, सो इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, बट टेंशन नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड देन इसको कुछ इस तरह से आप यहाँ पे हाथ पे कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं आप यही रखो, ठीक है, आपको जो मर्ज़ी आप रख सकते हो, लेकिन मुझे स्पेशली ये वाला पसंद आया सो मैं ये रख रहा हूँ। और इसको मैं इरेज कर लूँगा जो एरिया मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जो हाँ। तो बाकी रुको, फ्लॉ को 100% कर लेना है। एंड देन मैं इसको इरेज कर लूँगा ताकि लगे प्रॉपरली मैं पकड़ा हूँ। सो कुछ इस तरह से देखो दिख रहा है, ओके फाइन। इसको भी मैं क्या करूँगा, PNG को ब्लर अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरा हाथ ब्लर है, सो PNG भी ऑब्वियसली ब्लर होगा थोड़ा बहुत। सो अपने हिसाब से मैं सेट कर ले रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से फ्लैटन कर लेना है, ठीक है। फ्लैटन करने के बाद सबसे पहले ये इंस्टाग्राम साइज़ पे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए 4x6 जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट होता है। सो फोटो कुछ इसमें सिलेक्शन कर लूँगा। एंड देन इसको बीच में लाने के बाद आपको कुछ इसके ऊपर डन कर देना है, ठीक है, ओके डन। डन करने के बाद आपको प्रेस करना है फोटो के ऊपर, कंट्रोल प्रेस करके फोटो पर प्रेस करना है। एंड देन कंट्रोल शिफ्ट आई करना है ताकि बाकी एरिया जो है सिलेक्ट हो जाए। एंड देन आपको कंटेंट एवर फिल कर देना है ताकि जो बाकी एरिया आपका है ना वो कवर हो जाए, ठीक है। सो थोड़ा बहुत आपका टाइम लेगा, आपको वेट करते रहना है, ठीक है। सो परफेक्ट। सो गाइस देख रहे हो गया। एंड देन यहाँ पे एक गलती दिख रहा है, देखो जो चांद का शेप है वो थोड़ा बिगड़ गया, ठीक है, बट डोंट वरी, उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन भी है, ठीक है। सो सबसे पहले लिक्विफाई पे फिर आ जाना है। एंड देन इसका जो शेप है ना तो उसको चेंज कर लेना है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे आपको करना है ताकि प्रॉपरली राउंड शेप में आ जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से शेप बिगड़ गया, सो सही कर लेते हैं अच्छे से, और वाओ परफेक्ट। सो अभी अच्छा दिख रहा है। एंड देन इसको डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग ग्रीन टोन जो है हम लोग अप्लाई करेंगे, ग्रीन और ब्लू टोन जो है। और इसको सबसे पहले हम लोग कलर देख लेते हैं कितना मुझे, आई थिंक कितना परसेंटेज कलर मुझे अच्छा लग रहा है। एंड देन इसको फ्लैटन इमेज कर लेंगे। गाइस इसका कलर लाने के लिए आपको सबसे पहले कैमरा रॉ फिल्टर में जाना है, ग्रीन को जो है उसको हाई कर देना है, येलो टोन जो है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, और ग्रीन को हमेशा लोएस्ट रखना है, सो आपका ये वाला कलर आ जाएगा। तो आपको कुछ ये कलर लाने के लिए आपको हाईलाइट कलर ग्रेडिंग जो है आपको ब्लू कलर सिलेक्ट करना है। एंड देन इसको हिट ओके करना है, सो गाइस आपका कलर आ जाएगा। एंड देन इसको मास्क करने के बाद आपको अप्लाई करना है अपना जो भी ड्रेस और फुल बैकग्राउंड में, ताकि थोड़ा सिनेमैटिक कलर लगे। और स्पेशली ये वाला कलर जो है ना बहुत मज़ा आता है, हर फोटोज़ में मैच करता है, सो इस फोटो में तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इसके लिए मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से। बस आपको ध्यान रखना है फेस पे अप्लाई ना हो, वरना फेस भी ब्लू दिखेगा, ठीक है। सो कुछ इस तरह से धीरे धीरे अप्लाई कर देना है। धीरे धीरे ओके फाइन। और हेयर का भी थोड़ा सा कर देना है, ठीक है। और करने के बाद कुछ इस तरह से आपका कलर जो है वो आ जाएगा। एंड देन आपको एक्सपोजर जो है वो आपको सेट कर लेना है कुछ। हाईलाइट को मैं थोड़ा सा कम रखूँगा, बिकॉज़ फ़ोटो जो है और नेचुरली
टेक्सचर हाई दिखता है, ठीक है। मैं कॉन्ट्रेस्ट को हमेशा बढ़ा रहा हूँ 6% तक, शेडो को भी -2 कर रहा हूँ। और आप अपना अकॉर्डिंग करते रहना, क्योंकि हर फोटोज़ के लिए कलर अलग अलग सेट होता है। सो मैं ये कर रहा हूँ, सो सेम करना ज़रूरी नहीं है, आप अलग कर सकते हो, आप जैसा आपको पसंद है। सो अपना फ़ोटो अकॉर्डिंग आपको कलर सेट करना है। सो स्पेशली मेरा कलर सॉरी फ़ोटो इस तरह है ना, सो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। आपको जो वाला पसंद आता है आप वो कर सकते हो, बस मैं आप लोग तो टेक्निक आप लोग समझ लो। सो देख सकते हो कलर देने के बाद कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो का लुक जो है परफेक्टली आ जाएगा। एंड देन आपको इसको कर देना है फ्लैटन इमेज, देख रहे हो फोटो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। एंड देन लास्टली आपको ऐड कर देना है आपका जो भी PNG है, एंड देन लुक फाइनली फोटो इज कम्प्लीट। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया। और गाइस आज का वीडियो में मैं कोई भी PNG यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ सॉरी मतलब PNG यूज़ किया हूँ, और जो PNG और बैकग्राउंड तो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको मैं PNG दूंगा, लेकिन आपको 300 लाइक कंप्लीट करना है। लेकिन आपको फुल PNG और फुल जो भी बैकग्राउंड हाई क्वालिटी में मैं आपको दे दूंगा, वो भी टेलीग्राम पर, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM करो, मैं आपको डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस लास्टली यही बोलूंगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। आप लोगों के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ मैं बहुत सारा लेके आता रहूँगा, ताकि आप लोग फोटोज़ देखे, आप लोगों के पास भी बहुत सारा नॉलेज और क्रिएटिविटी आइडिया आते रहे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए कीप लव कीप सपोर्ट, टाटा।